गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अंबर खान लिव योर लाइफ। जी तो गाइस, आज काफ़ी दिन बाद मैं आपके सामने आई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ज़बरदस्त सी वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। तो ये आ गया मेरा मैजिक बॉक्स। हमें चाहिए कुछ नग, इसके साथ साथ हमें चाहिए कटर, ठीक है, जिससे हम कटिंग कर सकें। आप छुरी भी ले सकते हैं, आप आरी भी ले सकते हैं। इसके अलावा लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए मार्कर और इंची टेप नापने के लिए, स्केल या इंची टेप जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो। तो आज मैं आपको कौन सा मैजिक दिखाने वाली हूँ आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। इसके अलावा ग्लू गन का काम है या कोई भी चीज़ जो आपके पास चिपकाने की अवेलेबल हो तो आप वो ले लीजिए। इसके साथ साथ छोटी सीजर, अच्छा कटर या आरी या ब्लेड यूज़ करते हुए आप काफ़ी मुहतात रहिएगा, ठीक है, आपका हाथ ना कट जाए। जी तो गाइस, मेरा मैजिक है आज बॉटल्स पे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। बेसिकली आपको चाहिए एक खाली बॉटल, आपको बॉटल लेनी है, आप कोई सी भी बॉटल ले लीजिए प्लास्टिक की, समटाइम आपके घर पे भी होती है, अगर नहीं है तो आप मंगवा लीजिए और उसको खाली कर लीजिए। और जो है 3 सेंटीमीटर की हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आप इंची टेप की मदद से या स्केल की मदद से आप इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर की, और ध्यान रहे आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। वेल एंड गुड, ये हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो गई है। उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसको सेफ्टी सीजर या आरी की मदद से या ब्लेड की मदद से काट लेंगे आप इसको। तो ये मैंने काट लिए जी। तो आपने बेस के लिए बॉटल कट कर ली है, मैंने बिल्कुल इसको राउंड में कट कर लिया है। अब मुझे इस नाप का अपना बैंगल तैयार करना है। आप अपने नाप का तैयार करेंगे तो मैं इस पे जो है ना पहले इसकी कटिंग करूँगी, बीच में से कट लगा के, और इसके ऊपर रिबन चिपकाऊंगी। रिबन चिपकाने के लिए मैंने ग्लू गन ली है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो घर में आप वो ले लीजिए, लेकिन ग्लू गन यूज़ आप करेंगे तो इस बात की एहतियात कीजिएगा कि आपकी गन ज़्यादा हॉट ना हो, क्योंकि ये प्लास्टिक है और ये जो है ना सुकड़ भी सकता है ज़्यादा गर्म। अगर आप ग्लू इस्तेमाल करेंगे तो इसका शेप ख़राब हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं इससे पहले रिबन लगा चुकी थी अपने प्लास्टिक की बॉटल के रिंग पे जो मैंने कट किया था, लेकिन अफसोस के साथ उसकी ग्लू बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, जिसकी वजह से उस प्लास्टिक जो है सुकड़ गया और उसका शेप आउट हो गया। फिर मैंने दोबारा से कट किया है और अब मैं आपके सामने इसको रिबन को लगा रही जी। ये मेरा रिबन पूरा लग चुका है। अब मैं इस रिबन को कटिंग नहीं करूँगी, इसी को मैं फोल्ड करती हुई इसके बैक साइड पे भी लगा लूँगी। बैक साइड पे आप इसको वापस से फोल्ड करते हुए लेके आ जाइए और अच्छे से इसको चिपका लीजिए ताकि ये जगह जगह से मिटे नहीं। आप इस तरह से ग्लू या ग्लू गन से आप इसको चिपका लीजिए। और इसकी जब बेस तैयार हो जाए तो आप कोशिश कीजिए इसको थोड़ी देर के लिए सुखाने के लिए रख दीजिए। अगर आपने ग्लू इस्तेमाल की है तो उस वो थोड़ा टाइम लेती है सूखने में, जबकि ग्लू गन से आप जब चिपकाएंगे तो वो फौरन से ही सूख जाती है। तो ये मेरी बेस जो है बैंगल की तैयार हो चुकी है, ये देखिए जी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपने हाथ का नाप लेके इसको सुई धागे की मदद से एक दो टांके लगा दिए हैं ताकि ये जो है अपनी जगह पे बैठ जाए और मेरे नाप का बैंगल तैयार हो जाए। तो आप भी अपने हाथ का साइज लेके और इस पर टांके लगा दीजिए, उसके बाद फिर आगे का मेथड मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो चूड़ियाँ हो या बैंगल्स हो सब लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं और ज़्यादातर हर कोई मतलब अपने नाप के लेता है। ज़्यादा जो बड़े बड़े हाथों में लगते हैं तो वो अच्छा
लगते हैं, बिल्कुल आपके हाथ की फिटिंग आनी चाहिए। जी तो गाइस, आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो देखी थी, मैंने आपको दो बॉटल्स शो करवाई थी, तो अभी दूसरी बॉटल से मैंने कुछ नहीं बनाना है इस वीडियो में, उसके लिए मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बैंगल समझा सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी वीडियो। तो जी, ये मैंने टाका लगा दिया है अपने हाथ का नाप लेके, जो हमने रिंग बनाया था बॉटल की कटिंग करके और उस पर रिबन चिपका के। तो अब मैं इस पर थोड़े थोड़े फासले के साथ बड़े वाले नग चिपका दूँगी। अच्छा, ये जो बड़े नग हैं, इसकी जगह आप इससे छोटे साइज़ में भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इससे छोटे वाले भी थे, लेकिन ये मैंने बड़ा बैंगल बनाना था तो मैंने बड़े ही नग इस्तेमाल किए। जी तो ये मैंने नग चिपका दिए हैं, इस पर मैं फ्लावर शेप दूँगी और इसके साथ साथ मैंने कॉर्नर्स बना दिए हैं डोरी से, ठीक है। मेरे पास सिल्वर डोरी की, इससे मैंने कॉर्नर्स बना दिए दोनों साइड पे। तो आपके पास जो भी आपने मैचिंग करनी है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो गाइस, कॉर्नर्स मेरे बन गए हैं, डन हो गए हैं। अब ये जो बड़े नग है, इस पर मैं फ्लावर शेप में छोटे नग इस्तेमाल करूँगी और चिपका दूँगी। जी तो गाइस, ये मेरा हाफ काम डन हो गया है। अब मैं ग्लू का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि आप मुझे छोटे नग जो बाकी बीच में जगह बची है उसमें लगाने, तो मैं ग्लू जो है माचिस की तीली की मदद से लगाऊँगी जगह जगह पे। और जो हमने फ्लावर बनाए थे बड़े नग के चारों तरफ, उससे भी छोटे नग बीच में लगाऊँगी। आप चिमटी की मदद से लगा लीजिए, आप उंगली की मदद से लगा लीजिए, क्योंकि आप हाथों से लगाएंगे तो आपके हाथ पे ही चिपक जाएंगे ना। तो आप कोई भी पिन ले लीजिए, माचिस की तीली ले लीजिए या चिमटी ले लीजिए। जी बिल्कुल, किचन में माचिस होती है और माचिस से आपको नग लगाने हैं, आग नहीं लगानी। अच्छा, ये सारा प्रोसेस मैंने जो किया है, पहले बड़े नग लगाए तो वो जब ड्राई हो गए तो मैंने उसके फ्लावर शेप क्रिएट किया और उसको ड्राई होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने जो है छोटे नग जब लगाए हैं तो दोनों दफ़ा मैंने ड्राई करने के बाद लगाए, ताकि जो पहले हमने लगाए थे वो अपनी जगह पे बैठ जाए। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने छोटे नग बीच में फिल कर दिए हैं और उसके बीच में भी जो छोटी छोटी स्पेस रह गई मैंने उसमें ग्लिटर छिड़क दिया, ताकि आपकी जो है जगह खाली नज़र ना आए। ये देखिए, ये हमारा बैंगल रेडी हो चुका है। जी डियर फ्रेंड्स, ये मेरे बैंगल्स का फाइनल लुक है। एक में मैंने शीशे भी लगाए हैं और दो मैंने जो है वैसे ही बनाए जैसे मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा मैंने इसी मेथड से रिंग्स भी तैयार की हैं, जिसकी वीडियो आप बहुत जल्द देखेंगे मेरे चैनल पे। तो कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग भी अपने घर में जो आपके पास फालतू बॉटल्स हों, नग हों, या आप नग वगैरह बाहर से परचेज कर लीजिए और आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।